की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम एशिया में वॉर का एक और फ्रंट खुल गया है, और ये वॉर फ्रंट इसलिए है क्योंकि इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे उतर गए हैं। सीरिया और लीबिया के बाद पहली बार दोनों देशों ने मिलकर किसी मुल्क में हमलों को अंजाम दिया है। दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना यमन में हूती आतंकियों के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रही है। खबर यह भी है कि यमन की राजधानी में 4 धमाके किए गए हैं। यमन के अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है, और दावा यही किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि लाल सागर और अदन की खाड़ी में मालवाहक और सिविलियन जहाजों को लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। तो आपको बता दें कि लगातार हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ये हमले किए हैं, जबरदस्त हमले किए गए हैं क्योंकि लाल सागर में लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से आतंक मचाया जा रहा था, मालवाहकों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद अभी ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। तो यमन में बैक टू बैक 4 धमाके हुए। देखिए, पिछले साल की बात करें तो हूती आतंकी लगातार लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बना रहे थे, और इसी पर एक्शन लेते हुए यमन में यूएस और यूके ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने टाइफून लड़ाकू विमानों को साइप्रस से रवाना किया, और फिर यमन में हूती विद्रोहियों पर बमों की बारिश कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया विभाग के मुताबिक हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइलों के साथ साथ PAVV4 गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। तो यमन में महाशक्तियों की सुपर स्ट्राइक के बारे में आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हमला किया है। दरअसल हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर यह हमला किया गया है, और एक और वॉर फ्रंट पश्चिम एशिया में बन गया है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर युद्ध अभ्यास होता है, कैसे यहाँ पर हमला किया जाता है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में एक और फ्रंट जो है वो खुलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दो महाशक्तियां यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन, अब उन्होंने यमन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। 4 बैक टू बैक जो है धमाके हुए हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नेवी कमांडो जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे जाकर क्या होगा, क्या ये जो फ्रंट खुला है इसका असर जो है पूरी दुनिया पर किस तरीके से होता है, लेकिन यमन पर ये हमला जो है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से साथ में किया जा रहा है। और आपको याद होगा पिछले साल हूती आतंकी लगातार लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बना रहे थे, और इसी पर अब एक्शन लिया गया है। यूएस और ब्रिटेन कूद पड़े हैं। दरअसल इन दोनों की सेनाओं ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें अब टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि यहां पर हूती विद्रोही टारगेट पर है, और किस तरीके से वो लगातार यहां पर पहले हमलों को अंजाम दे रहे थे, अब उनको टारगेट किया गया है। टाइफून लड़ाकू विमानों को साइप्रस से रवाना किया गया, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और फिर बमों की बारिश यहां पर होती है। तो यमन में महाशक्तियों की इस वक्त सुपर स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि हाँ, हमारी तरफ से ये हमला किया गया है। दो महाशक्तियों की तरफ से बैक टू बैक जो है ये हमले किए गए हैं, जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में यमन का क्या हाल होने वाला है। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन को जंग का एक और मैदान शुरू करना पड़ा। देखिए, यमन पर हमले की वजह को सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, इसराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया था, तो यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए और हमास का साथ देने के लिए हमले शुरू किए थे। हूती विद्रोहियों का इसराइल पर हमला नाकाम रहा तो उन्होंने इसराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया। लाल सागर में सिर्फ इसराइल ही नहीं, दूसरे देशों की कार्गो शिप को भी हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया, और बकायदा इसका वीडियो तक जारी किया गया था। वहीं अदन की खाड़ी में भी समुद्री जहाजों पर हमले होने लगे, जिसमें न सिर्फ हूती विद्रोही बल्कि ईरान से जुड़े दूसरे आतंकी संगठन भी शामिल थे। देखिए, यमन से लगातार हो रहे हमलों और हाईजैक की घटनाओं की वजह से ही अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथी मुल्कों को काफी नुकसान हो रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यमन में हूती लड़ाकों पर हुए हवाई हमले को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका का कहना है कि यमन में कई जगहों पर हूती लड़ाकों के अड्डों पर हमले किए गए हैं, और इन हमलों के पीछे कई देशों का समर्थन हासिल है। साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा की तरफ से जो समर्थन मिला उसके बाद ये बड़ी स्ट्राइक जो है यमन में की गई है। यमन दहल उठा है क्योंकि महाशक्तियों की महास्ट्राइक है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया क्योंकि लगातार हूती विद्रोही अमेरिका के जो मालवाहक जहाज हैं लाल सागर में उनको टारगेट कर रहे थे,
और ऐसे में रिटेलिएट अब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। तो यमन की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला बोल दिया है और हूती के आतंकी भी समंदर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर निशाना लगा रखी है। लेकिन वहां समंदर में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज नहीं है बल्कि कई देशों की नौसेना के जहाज यहां पर तैनात है जहां पर खतरा है। ये देखिए अरब सागर का ये पूरा नजारा है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और भूमध्य सागर तक किस तरीके से तैनाती है। अब ये आप देखिए कि जो ये अमेरिका का जंगी जहाज है, ब्रिटेन की रॉयल नेवी की तैनाती यहां पर हुई है। अब यहां पर किस तरीके से जंगी जहाजों का बेड़ा है ये आप देख सकते हैं। दरअसल यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस नेवी के जहाज जो है यहां पर इस तरीके से है और इसके अलावा ईरान की निगरानी का जहाज भी है। तो ये पूरा बेड़ा है अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो आपको समंदर में कैसे जहाजी तैनाती की गई है जहाजों की और कैसे नजर रखी जा रही है यह समझा जा सकता है। तो सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन नहीं, यहाँ पर आप नजर डालेंगे ब्रिटेन की रॉयल नेवी की तैनाती है, अमेरिका का जंगी जहाज तैनात है, जर्मनी फ्रांस की जो है वॉरशिप तक तैनात है, यहाँ तक कि भारत के भी जहाज जो है वो वहां पर तैनात है। जिसके बाद अब सवाल लगातार इस बात का उठ रहा है कि सिर्फ वहां पर जो है अमेरिका और ब्रिटेन मौजूद नहीं है, तमाम देशों के जहाज भी वहां पर मौजूद है। हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में जवाबी हमला किया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल सागर में मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद हूती लड़ाकों ने पलटवार किया है और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को इस बात की धमकी दी है कि उनके ठिकानों को राख में मिला देंगे। ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है कि यमन में किए गए हमलों का तो वो जवाब देगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से यूएस यूके के जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चला है लेकिन अब यहाँ पर जवाब भी दिया गया है। देखिए अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों ने यमन में हूती विद्रोहियों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। कहाँ कहाँ हमला हुआ सबसे पहले आपको ये बताते हैं। यमन के बानी में अटैक हुआ है जहाँ पर हूती का ड्रोन ठिकाना, यहीं से वो निगरानी और अटैक ड्रोन लॉन्च करता है। देखिए यमन के एक और इलाके की बात करें, एब्स में हमला हुआ जहां से हूती विद्रोही क्रूज मिसाइलें दागते हैं। यमन की राजधानी सना में चार जगहों पर हमले हुए हैं, ये हूती के सैन्य ठिकाने हैं। और वहीं उत्तरी यमन के साडा में हमला किया गया, दावा ये किया जा रहा है कि हूती का ट्रेनिंग कैंप यहां पर मौजूद है और हथियारों का गोदाम भी यहीं पर मौजूद है। यमन के बाजिल में भी हमला हुआ है जहां हूती का अड्डा है। तो ये आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हमले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हूती विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है लेकिन इराक में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। अमेरिकी सूत्रों ने यह दावा किया है कि हमले के पीछे ईरान समर्थित आतंकी संगठन हो सकते हैं जो इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि देखिए तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है लेकिन यहाँ पर खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सूत्रों ने दावा किया है कि हमले के पीछे ईरान समर्थित आतंकी संगठन है, हूती संगठन भी हो सकते हैं। यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल किया है। देखिए ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों ने साइप्रस से उड़ान भरी और यमन में हूती के ठिकानों पर हमले बोल दिए। वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात अपनी जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों को अंजाम दिया। ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन से भी मिसाइलें दागी जिसने यमन के दो शहरों में हूती ठिकानों को तबाह कर दिया। हमलों को अंजाम देने के लिए खासतौर पर टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हूती पर किससे हमला किया गया ये आपको बता रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही तमाम जो सेना के लोग हैं वो फिलहाल वहां ग्राउंड पर मौजूद है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये साझा ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सब के बीच में आप ये समझिए कि आखिर यमन की स्थिति जो है क्या होगी। हालांकि यमन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम अमेरिका हो या ब्रिटेन की सेना खाक में मिला देंगे लेकिन आने वाले वक्त में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होता है इसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध हम देख चुके हैं, साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध अब भी जारी है वो भी हम देख रहे हैं लेकिन इन सब के बीच में तीसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने देखिए जॉइंट यहां पर ऑपरेशन चलाया है। किस तरीके से लड़ाकू विमान जंगी जहाजों की हम बात करें ये यहां पर यमन पर हमला कर रहे हैं लेकिन यमन ने भी पलटवार किया है और कहा है चाहे ब्रिटेन हो अमेरिका हो कितनी ही सुपर शक्तियां क्यों ना हो वो खाक में मिला देंगे। लेकिन अभी ये जंग का अखाड़ा बन चुका है और लोग यहां पर जो है वो डरे हुए हैं। तो लेकिन हवा से लेकर पानी तक किस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो लगातार एक साथ संयुक्त जो है ये ऑपरेशन चलाकर यमन को खाक में मिलाने की कोशिश कर रहा है ये आपको प्लेन टेक ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि आखिर किस तरीके से अरब सागर के अंदर जो है ये कोशिश की जा रही है
कि अब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हूती विद्रोहियों को किस तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर दे। 10 मुल्कों ने किस तरीके से हूती का दम निकाला, हम आपको वो 10 शख्सियत भी दिखा रहे हैं, वो 10 बड़े देश भी दिखा रहे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कैनेडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेरवीन, साथ ही नीदरलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। ये वो 10 जो है बड़े देश है जिन्होंने हूती विद्रोहियों के ऊपर किस तरीके से आक्रमण किया था। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया है। 10 मुल्कों ने हूती विद्रोहियों, क्योंकि हूती विद्रोही जिस तरीके से लगातार आतंक मचा रहे थे, अब चुन चुन करके हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना मुख्य तौर पर हमला